लोग लाइव में हम उनके सामने चीटी जितने हो ऐसे करेंगे तो हमें क्राउड आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो अयोध्या है ना वो राम भक्तों से भरी हुई है। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में राम मंदिर की ओपनिंग हो चुकी है दर्शन करने के लिए, और काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आना भी चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ भी चुके हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाइव व्यू दिखाने वाला हूँ राम मंदिर के, और राम जी के दर्शन भी करवाने वाला हूँ। साथ में ही मंदिर की खुलने का समय क्या होने वाला है, आरती का समय क्या होने वाला है, और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे, और इन दिनों में किस तरीके का यहाँ पर क्राउड देखने को मिलने वाला है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो में, और भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के बाद कितना ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय श्री राम। तो सामने आप लोग देख पा रहे हैं यह राम जन्मभूमि जाने का द्वार, सामने देख सकते हो पूरा का पूरा सजा हुआ है। पहला ही दिन है आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, और क्राउड आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो अयोध्या है ना वो राम भक्तों से भरी हुई है। यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइन लगी हुई है। अभी तो मैं यहीं पर ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सामने आप लोग एंट्री पॉइंट देख पा रहे हैं, यहीं से आप लोग की मंदिर के लिए एंट्री होने वाली है, और एंट्री में देख सकते हो लाखों की तादाद में भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही इसी तरीके की भीड़ आप लोगों को क्राउड देखने को मिलने वाली है, और ऐसे ही जय श्री राम के नारे लगते जा रहे हैं और सभी लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भव्य नज़ारा है, ये नज़ारा आप लोगों को शायद ही कभी देखने को मिले, तो ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और राम जी के दर्शन हो रहे हैं सभी को, और आप लोग भी आएंगे तो इसी तरीके से राम जी के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के अंदर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। देख सकते हो एलईडी में पूरे के पूरे दर्शन हो रहे हैं राम जी के, ये देख सकते हो राम जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, और राम जी विराजमान है अंदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और एक एक चीज़ें जो नक्काशी की है ना वो आप देख सकते हैं अलग अलग दीवारों पर। आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से हनुमान जी बनाए हुए हैं जगह जगह पर, ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी पेंटिंग दी गई है, और हम लोग इसको छू रहे हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग क्राउड देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा लेने दो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम मंदिर के प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हो कितना ज्यादा भव्य नजारा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, और यहीं पर ही राम जी विराजमान है, और यहीं से ही हम लोगों को दर्शन हुए हैं। तो काफी प्यारे हम लोगों को दर्शन हुए हैं, दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त से मैंने फुटेज लिए अंदर, लेकिन आप लोगों को राम जी के दर्शन करवा दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यारे हम लोगों को भी दर्शन हुए हैं। अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, और आप लोगों को ना इसी तरीके का माहौल देखने को मिल जाएगा। बाकी राम मंदिर के अंदर चारों तरफ आप लोगों को सजावट देखने को मिल जाएगी, बहुत ही प्यारी सजावट कर रखी है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनाया हुआ है राम मंदिर, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सुंदर लगने वाला है। देख सकते हो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं, मज़ा आ गया। आप लोग भी निहार सकते हो राम मंदिर को, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। राम जी के दर्शन हो गए हैं, बाल रूप में अंदर विराजमान है गर्भगृह के अंदर, तो आप लोग भी यहाँ पर आएंगे तो दर्शन कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारे, इतना ज़्यादा सुंदर मंदिर को बनाया गया है ना कि आप लोग जितना निहारोगे उतना कम है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मंदिर। हर जगह पर जय श्री राम लिखा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी इस साइड में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सजावट की गई है, और इसी तरीके से आप लोग पूरे के पूरे मंदिर को देख पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर बनाया गया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन इस टाइम भी आप लोग देख पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मंदिर कलरफुल सजावट के साथ में। जितने भी भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, मंदिर को दर्शन करने के बाद में ना उनके चेहरे की हंसी से आप पता लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा खुश हैं सबके सब दर्शन करने के बाद। काफ़ी अच्छा और प्यारा माहौल यहाँ पर बना हुआ है राम जी के दर्शन करने के बाद। बाकी मंदिर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भव्य बना हुआ है, और इस मंदिर को आप लोग जितना निहारेंगे ना उतना कम है, और काफ़ी कम समय मिल रहा है दर्शन करने के लिए, क्योंकि क्राउड जो है ना पहले दिन पर ही काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। देख सकते हो चारों तरफ आप लोगों को भक्ति भक्त देखने को मिलने वाले हैं, तो इसी तरीके का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है राम मंदिर के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे हम लोग भी दर्शन करने के लिए, दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए हैं, और इसी तरीके से आप लोगों को राम जी विराजमान मिलेंगे। हमेशा आप लोग कभी भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। के अंदर दर्शन करने के लिए इस वाले गेट से आप लोगों की एंट्री होगी। यहाँ से आप लोग एंट्री करते हुए चेक पोस्ट होगा आप लोगों का, वहाँ से आप लोग ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे। देख सकते हो वहाँ से काफ़ी संख्या में भक्त लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए सीधा आप लोग जाएंगे, उधर गर्भगृह बना हुआ है, गर्भगृह में आप लोग दर्शन कर पाएंगे। राम जी विराजमान है और राम जी की बाल रूप में प्रतिमा है वो विराजमान है। वहाँ से आप लोग दर्शन करके सीधे आप लोग इस साइड से बाहर को आ जाएंगे। दर्शन करके, दर्शन करने के बाद आप लोग इस साइड में आएंगे और इधर से ही आप लोगों का एग्जिट हो जाता है। तो काफ़ी प्यारे दर्शन है, और साथ में मंदिर को जो बनाया गया है ना काफ़ी तरीके से बनाया गया है, ताकि इस मंदिर के अंदर किसी भी श्रद्धालु को प्रॉब्लम ना हो और आराम से वो लोग आ सकें और सीधे दर्शन कर सकें। काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं ताकि किसी भी भक्त को परेशानियां ना हो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है इस टाइम भी मंदिर, और मंदिर के प्रांगण में पूरी की पूरी सजावट आप देख सकते हैं। जगह जगह पर आप लोगों को सजावट देखने को मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी सजावट हो रखी है, और श्रद्धालु देख सकते हो किस तरीके से आ रहे हैं। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं, काफ़ी सुंदर हम लोगों को दर्शन हुए हैं। साथ में आप लोग ये एग्जिट पॉइंट देख पाएंगे, यहीं से आप लोगों को एग्जिट होने वाला है, और एग्जिट करके हम लोग भी बाहर को जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और भी बनने वाली है, ये देख सकते हो। इस साइड में भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी तैयार हो रही हैं, लेकिन राम जी यहाँ पर पधार चुके हैं। राम जी के दर्शन आप लोग आराम से आकर कर सकते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा क्राउड है क्योंकि आज फर्स्ट डे है, 23 जनवरी है। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पहले दर्शन हम लोगों ने किए हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाए। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखना। आगे चलते हैं और भी जानकारियां देते हैं, जैसे कि मंदिर का खुलने का और बंद होने का समय, एवरीथिंग आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। भाई कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया भाई, के एक्सीडेंट के बाद में अब यहाँ पर मिले हैं भाई हम, काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई को देख के। राम मंदिर में देखो भाई ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी दर्शन करने के लिए आ रही है। वीआईपी लोग, भगवान वीआईपी लोग लाइन में, हम उनके सामने शुक्रानी एक चीटी जितने हो ऐसे करेंगे तो हमें मसल देंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ओके भाई। शाम के अप्रोक्स 6 बज चुके हैं और देख सकते हो पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, और हर जगह पर आप लोगों को बेहतरीन लाइट्स देखने को मिलने वाली है। और जो पूरे के पूरे जो भक्त है ना देख सकते हो, अभी भी काफ़ी ज़्यादा भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और इसी तरीके से दर्शनार्थी आते रहेंगे। सुबह से लेकर शाम हो चुकी है और मैं शाम का वातावरण आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो राम मंदिर कंप्लीट जगमगाया हुआ है लाइट वगैरह से, और काफ़ी अच्छी लाइट वगैरह जल गई हैं। तो अभी हम लोग अंदर भी जाने वाले हैं, दोबारा से दर्शन भी करने वाले हैं, और साथ में आप लोगों को जो नाइट का व्यू है ना वो सारा एंजॉय करवाने वाले हैं कि राम मंदिर कैसे दर्शन होते हैं रात के टाइम में और कितना ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। आप लोग नज़ारा देख सकते हैं राम मंदिर का, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। साथ में आप लोग सामने देख सकते हैं किस तरीके से दीप बनाए हुए हैं सारी की सारी दीवारों पर, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सामने की साइड में लाइटिंग देखो भाई साहब, क्या प्यारी लाइटिंग है। तो पास से जाकर भी आप लोगों को लाइटिंग दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग राम मंदिर का पूरा दृश्य देख सकते हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लाइटिंग देख सकते हो किस तरीके से ऊपर में पड़ रही है मंदिर के, और काफ़ी अच्छी LEDs वगैरह लगाई हुई है, और इसी तरीके नज़ारा देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेज़र लाइट्स हैं, लेज़र लाइट्स इधर को सीधी की सीधी लाइट्स मार रही हैं, और देखो मंदिर के ऊपर कितना ज़्यादा प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है, ये एंट्रेंस है मेन मंदिर की, और ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाली है। और ऊपर देख सकते हैं लाइटों से छोटे छोटे दीप बनाए हुए हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। फूलों पे जैसी लाइट पड़ रही है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से लेज़र लाइट्स वगैरह लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और सारी की सारी येलो कलर में लगी हुई है, और जय श्री राम के नारे लग चुके हैं। देख सकते हो, ये देख सकते हो सामने मेन एंट्री गेट है ये, और यहीं से ही एंट्री होती है आप लोगों की। और लाल कलर की जो लाइट पड़ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाली है। हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सामने आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, हम लोग एंटर कर चुके हैं राम मंदिर के अंदर, और यहाँ से जो आप लोगों को नज़ारा देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा भव्य और सुंदर देखने को मिलने वाला है। सामने आप लोग देख सकते हैं राम मंदिर पहुंच चुके हैं हम लोग, ये देख सकते हैं नज़ारा। नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मंदिर। और बिल्कुल फ्रंट पर हम लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। नाइट का व्यू है ये, देख सकते हो लेज़र लाइट किस तरीके से चल रही है, क्या बात है। मंदिर के सामने तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लाइट देखने को मिलने वाली है, साथ में आप लोग बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह देखने को मिलने वाली है। ये लेज़र लाइट जो चल रही है ये सीधी राम मंदिर पर पड़ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है। साथ में आप लोग इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं लगाई हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, देख सकते हो। इन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है राम मंदिर। साथ में सामने की साइड में जो फूलों के सजावट की गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और क्राउड आप लोग देख सकते हैं, सभी के मुंह पे राम राम का जाप है और सभी लोग राम जी को याद कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ का पूरा वातावरण है और काफी ज्यादा मजा आ रहा है हम लोगों को भी दर्शन करते हुए। इस साइड में आप लोग देखेंगे तो कंप्लीट जो है लाइटिंग से जगमगाया हुआ है राम मंदिर और आप लोग राम मंदिर के अंदर से दर्शन कर पाएंगे। अंदर जाने के लिए अभी दो दो लाइन लगाई हुई है, एक उस साइड में लाइन लगाई हुई है, एक लाइन जिसमें हम लोग हैं, इसी तरीके से लाइन्स वगैरह लगाई हुई है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है मंदिर को। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हम लोग सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं राम मंदिर की। और यहाँ पे साफ सफाई का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, देख सकते हो अलग अलग जगहों पर साफ सफाई चल रही है। और यहाँ पे आप स्टैचूज देख सकते हो, लॉयन का स्टैचू देखने को मिल जाएगा और काफ़ी सारे स्टैचूज यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि मंदिर को सुंदर बना। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल एंट्रेंस पर पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर के और यहीं से ही मैं एंट्री करने वाला हूँ और आप लोगों को भी दर्शन करवाने वाला हूँ। सजावट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, बनावट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर बनाया गया है मंदिर को। मतलब कि देख के आप लोगों की आंखें भी मतलब ऐसे बोलेंगे कि मंदिर क्या ही बनाया है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी सुंदर बनाया गया है। हर जगह पे आपको नक्काशी देखने को मिल जाएगी मंदिर के, ये देख सकते हो अलग अलग तरीके की माताओं की तस्वीरें बनाई गई हैं और गणेश जी बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर बनाया गया है ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ और दर्शन कर पाएँ। अभी हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और आप लोगों को मंदिर के अंदर काफी ज्यादा प्यारे दर्शन होने वाले हैं। साथ में आप लोग यहाँ की सजावट देखेंगे ना तो आपका मन मोह लेंगी सजावटें और काफी ज्यादा प्यारा रंग भी रंगा बना हुआ है पूरा का पूरा मंदिर। सामने आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी सजावट वगैरह चल रही है। और इस साइड में भी आप लोग नक्काशी देखेंगे ना मंदिर की, काफी ज्यादा सुंदर बनाया हुआ है मंदिर और काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, देख सकते हो। अलग अलग तरीके के फूलों से यहाँ पर सजावट देखने को मिल जाएगी आप लोगों को, ये देख सकते हो। यहाँ पे फोटो लेने लग गया है तो इस तरीके से भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसे काम करना मनाही है यहाँ पर, लेकिन आज के दिन इन्होंने थोड़ी सी छूट दी है ताकि आप लोगों के जो भीड़ है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्राउड संभाले नहीं संभल रहा, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर आज के लिए छूट दी गई है। तो आज हम लोग भी अंदर ब्लॉग कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि फ़ोन अंदर आप लोग ना लेकर जा पाए। बाकी सामने आप लोग देख पाएंगे, अभी हम लोग गर्भगृह के अंदर आ चुके हैं, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा गर्भगृह बना हुआ है और यहीं पर ही विराजमान है हमारे श्री राम जी। साथ में यहाँ पर आप लोग देखेंगे बजरंग बली जी देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। और नाइट के टाइम में जो लाइट्स वगैरह ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है। सामने आप लोग जो गेट देख पा रहे हैं पूरा का पूरा गोल्ड का लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा गेट लगा हुआ है। यहाँ से एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से एग्जिट हो जाता है आप लोगों का, तो पूरा का पूरा दर्शन होने के बाद में यहाँ से आप लोग निकल पाएंगे। और लाइट्स देख सकते हो, यहाँ से भी लाइट्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को कम्प्लीट तरीके से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह की गई है। तो भाई मंदिर का नज़ारा आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है, देख सकते हो पूरी की पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग लगी हुई है चारों तरफ और रंग बिरंगी जो सजावट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। बाकी आप लोग लाइट्स देख सकते हो, राम मंदिर पर जब लाइट पड़ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। इस साइड भी आप लोगों को रंग बिरंगी सजावट दिन में दिखाई दी और रात में जब लाइटिंग वगैरह जल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और देख सकते हो जय श्री राम लिखा हुआ है जगह जगह पर और इसी तरीके का वातावरण आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सामने आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग बाहर की साइड में जा रहे हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़ारा है। बाकी इस साइड में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो लेजर लाइट्स लगी हुई है जगह जगह पे, वो सीधी की सीधी जो रोशनी फेंक रही है ना, तो काफी ज्यादा प्यारा नजारा नजर आता है। तो इसी तरीके की सजावट देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। सामने से फ्रंट ऑफ मैंने सजावट दिखाई है, इस साइड भी दिखाई है, उस साइड की भी दिखाई है। तो इसी तरीके की सजावट आप लोगों को पूरे के पूरे आप लोगों को मंदिर के अंदर देखने को मिलने वाली है। राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग इसी पथ से जाएंगे, इसको रामपथ कहा जाता है। तो यहीं से ही आप लोग होकर जाएंगे। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है, देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को लॉकर की फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और यहीं पर ही आप लोगों को लॉकर के अंदर अपना सामान जमा करवाना होता है। उसके बाद आप लोगों को दर्शन करने के लिए जाना होता है। फ्री फैसिलिटी होती है, इसको भी आप लोग अवेयर कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आप लोग इस लॉकर की फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। बाकी इस साइड में आप लोगों को काफ़ी सारे टॉयलेट्स वगैरह की भी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो बाकी यहाँ पर शेल्टर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, जैसे कि कोई आराम करना चाहता है, रुकना चाहता है, इसके नीचे बैठना चाहता है तो वो भी बैठ सकता है। बाकी जो पूरी की पूरी रौनक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पर, और राम भक्तों के, राम जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। देख सकते हो रात का टाइम हो चुका है और भीड़ भाड़ फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। कल भी रात 12:30 बजे तक मंदिर खुला था और सभी ने दर्शन किए थे। आज भी मंदिर का कोई पता नहीं है कितने बजे तक खुलेगा, और सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सामने आप लोग देख सकते हो राम जन्मभूमि के अलग अलग तरीके गेट बनाए हुए हैं, और सभी गेटों पर आप लोगों को रंग बिरंगी डेकोरेशन देखने को मिल जाएगी। दिन के टाइम में डेकोरेशन अलग टाइप की दिखती है, और रात को जब लाइट पड़ती है ना इन फूलों के ऊपर तो ये अलग ही चमक मारते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बड़े बड़े से हाथी देखने को मिल जाते हैं, और इस साइड से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ा सा गेट नज़र आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, और यहाँ पर रंग बिरंगी जो लाइट लगाई हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है। देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग गेट्स हैं और उन्हीं के सामने ही बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है। पूरा का पूरा जो रोड है ना कंप्लीट सजा हुआ है अयोध्या के अंदर, और इस तरीके का वातावरण इस टाइम में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप लोग बाद में आएंगे तो ये डेकोरेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की डेकोरेशन अभी यहाँ पर हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी डेकोरेशन है, आप लोग देख सकते हो। अयोध्या राम जन्मभूमि का गेट नंबर 11 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारी सजावट की गई है रात को, और रात के टाइम में कुछ इस तरीके का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अलग अलग टाइप की सजावट है, कलरफुल फूल्स लगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है पूरा का पूरा वातावरण। सो फाइनली दोस्तों राम जी के दर्शन हो चुके हैं कंप्लीट, और आज के दिन तो भाई 2-2 बार दर्शन करने को मिल गए हम लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा लकी थे आज के दिन हम। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा, और आप लोगों के लिए मंदिर के भी दर्शन करवा दिए हैं अंदर से। और अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, और जैसे ही आप लोग अंदर घुसते हो ना तो एक अलग ही वाइब आती है, अलग ही फील आता है आप लोगों को कि हाँ हम लोग राम मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। साथ में दर्शन आप लोगों को भी करवाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को भी दर्शन हुए हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना। डे का व्यू भी मैंने आप लोगों को दिखाया कैसा मंदिर दिखता है, और नाइट में भी आप लोगों को किस तरह की लाइटिंग वगैरह देखने को मिलने वाली है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में छोड़ दी है। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना, और उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कर देना जिन लोगों के साथ में राम मंदिर आने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, जय श्री राम।